तो आज सीता नवमी उत्सव है, तो सीता नवमी उत्सव के उपलक्ष में माता सीता के चरित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जो रामायण है वे तभी पूर्ण हो सकता है जब माता सीता का चरित्र का वर्णन हो। हम जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो कहते हैं कि भगवान राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम की ये जो छवि है, ये बिना माता सीता के त्याग के यह परिपूर्ण नहीं होती है। तो आज ऐसे जो चरित्र हैं माता सीता के, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि माता सीता का जो चरित्र है वह शुद्धता, त्याग, पतिव्रता, साहस, इन सभी चीज़ों से परिपूर्ण है। कहते हैं माता सीता के साहस की बात करते हैं, जानते हैं कि भगवान राम के साथ विवाह के लिए माता सीता का स्वयंवर हुआ था और उसमें जो है धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का ऐसा निर्णय किया गया था कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे माता सीता का विवाह होगा। कहते हैं कि वो जो धनुष था, शिव धनुष पिना, उस धनुष को 300 से भी अधिक लोग जो है लेकर उठाते नहीं थे, उसको जो है रथ पे रख कर उसको खींचते थे। और कहते हैं कि बाल्यकाल में माता सीता ने उस धनुष को खेल खेल में ही अपने हाथों से उठा लिया। तो हम देखते हैं कि ऐसे जो साहस और वीरता का भी प्रदर्शन है। और हम सभी जानते हैं कि जब माता सीता का विवाह हुआ और वह अयोध्या आई और वहाँ पर जब भगवान राम का वनवास हुआ, कहते हैं माता सीता के बारे में कहते हैं कि वो उतनी जो है ऐश्वर्य में पली हुई थी कि वो कभी भी मखमल के नीचे, उन्होंने पैर मखमल से नीचे पैर नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि भगवान राम का वनवास हो रहा है, तो उन्होंने बिना किसी सेकंड थॉट्स के वो माता कौशल्या के पास जाती हैं और कहती हैं कि माता, आपने जो भी ये वन के कष्टों का मुझे बताया है, ये सारे जो कष्ट हैं उसको मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे रघुनाथ नहीं हैं वो जो कष्ट है वह अधिक होगा, इसीलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार जो है शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार मैं अपने स्वामी के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो उन्होंने तुरंत ही वह सारे ऐश्वर्य को छोड़कर तुरंत ही भगवान के साथ जो है वन में रहने का जो है निर्णय ले लिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर यह माता का जो त्याग है, यह भारतीय संस्कृति जो है उसकी पूर्णता है। यहाँ माता सीता अपने चरित्र से सिखा रही हैं कि किस प्रकार जो है पतिव्रत का पालन करना, क्योंकि इस हर जगह जो है सुख और दुख जो है उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन जब साथ में रहकर जो है हर कठिनाइयों का सामना करना, ये माता सीता अपने चरित्र से सिखा रही हैं। और क्षमा, अगर हम देखें कि क्षमा का चरित्र रामायण में हर एक चरित्र जो है, हम कहते हैं कि यह अपने गुणवत्ता और जो सीख शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि माता कैकेयी के कहने पर यह वनवास हुआ, और जब भगवान वनवास में थे पंचवटी में, और वहाँ पर सभी गुरुजन वृंद, माता सभी लोग आते हैं मिलने, तो वहाँ पर माता कैकेयी भी आती हैं मिलने। और कहते हैं कि माता सीता जाकर कैकेयी माता के चरण को स्पर्श करती हैं और वहाँ पे जाकर बिना किसी द्वेष के इस प्रकार मिलती हैं कि माता कैकेयी कहती हैं कि जैसे आप श्री राम, जैसे आप हैं, आपसे भी बढ़कर जो है वह आपकी वधू है, आपकी पत्नी है। और उनको किसी प्रकार का ऐसा एहसास नहीं दिलाती हैं कि आपके कारण ये सारे कष्ट हमें झेलने पड़े।
इसलिए हम देखते हैं कि इतना जो क्षमा का स्वभाव है माता का, वह भी यहाँ पे परिलक्षित होता है। साथ ही साथ हम कई बार हम रामायण में अनेक ऐसे जो है इंसिडेंट है जहाँ पर लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, भगवान ने माता सीता का परित्याग क्यों किया, अग्नि परीक्षा क्यों दी। लेकिन ये भक्त का स्वभाव है, ये जो भक्त होता है वह अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो हम देखते हैं कि जो है माता सीता यह कि पूर्ण वह पवित्र थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है भगवान की मर्यादा में किसी भी प्रकार का एक बिंदु भी न लगे, उसके लिए वह माता सीता ने जो है वह अग्नि परीक्षा भी स्वीकार की। कहते हैं कि जब माता सीता जो है गर्भवती थी तो उस समय जो लोक, कहते हैं कि एक राजा को जो है वह लोक कल्याण के लिए कार्य करना पड़ता है, तो उस लोक कल्याण के लिए माता सीता ने वहाँ पर स्वेच्छा से वहाँ पे वह वन गमन करती हैं, और साथ ही साथ वह प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाती हैं कि किस प्रकार उन्होंने स्वयं अकेले ही अपने पुत्रों का भी जो है उन्होंने लालन पालन पोषण किया। तो ऐसे जो चरित्र, अद्भुत जो चरित्र है माता का, माता सीता का, कहते हैं माता सीता तो जगत जननी है। इसीलिए बिना माता सीता के चरित्र के रामायण की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह जो रामायण है यह राम का तो चरित्र है ही, लेकिन जगत जननी माता सीता का भी चरित्र है। माता का जो त्याग है, उनकी पवित्रता है, उनका साहस है, और उनकी जो क्षमाशीलता है, उनकी सेवा भावना, हम कहते हैं भगवान राम की सेवा के लिए उन्होंने कुछ भी सब कुछ जो है उन्होंने सारे कष्टों को उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। उन्हें वन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह भगवान की सेवा के लिए जो है वह वन को भी गमन किया। कहते हैं यह भक्त का स्वभाव है कि अपने भगवान के लिए वह सभी कुछ को करने के लिए वह पूर्ण समर्पित होता है। तो ऐसे जो आज विशेष अवसर है सीता नवमी का, तो इस विशेष अवसर पर हम सब माता सीता के कमल चरणों में ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि आपने भगवान राम के साथ हमेशा रहे, कहते हैं बिना राम, बिना सीता के राम की कल्पना नहीं की जा सकती, तो बिना भक्त के भगवान और बिना और भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवद गीता में कहते हैं मत चित्त मत गत प्राणा, तो वह प्राण धन है, भगवान जिसके प्राण धन है और भक्त भगवान के प्राण धन है। तो यह भावना, इसका जो चरित्रार्थ है वह माता सीता का चरित्र है। तो आज इस अवसर पर हम सभी माता सीता के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने भगवान राम की सेवा भक्ति की, उसी प्रकार हम भी भगवान की सेवा और भक्ति करने में समर्थ हो सकें, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हरे कृष्ण।